नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जून और 2 जून की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस छोटे से वीडियो में पता चल जाएंगी। सबसे पहली अपडेट, कल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देर रात आज जो रिजल्ट है आपका, मेरिट सूची है, वो जारी हो जाएगी, और वैसा हुआ। सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले शुभकामनाएं जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित। तो देखिए, जिला जो शिक्षक भर्ती जिला आवंटन सूची है वो जारी कर दी गई है कल रात में। यहाँ पर जो प्राप्तांक और पूर्णांक की बात करें, उसमें जो गलती है वो अभ्यर्थी लगातार उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम आपको बता दें कल से उन्होंने अनशन करना भी शुरू कर दिया है। कल जिला आवंटन सूची को लेकर दिन भर सोशल मीडिया में बहुत ही लाइव अपडेट चलती रही, और बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान रहे कि लग रहा लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा गहराता हुआ नज़र में आया था। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्होंने नाराज़गी भी जताई है। आगे की अपडेट है, यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक भर्ती में जो लिस्ट आई है, इसमें केवल यहाँ पर 67,867 अभ्यर्थियों का ही लिस्ट में नाम है। जी हाँ, केवल 69,000 में 67,867 अभ्यर्थियों का नाम है, क्योंकि 1,133 सीटें ST कैटेगरी की खाली चली गई हैं। इसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ये सीटें खाली गई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंसलिंग में जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर देखें, काउंसलिंग में अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट, यहाँ पर बताया गया 2 सेट आपके पास में स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एवं सचिव उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पद नाम से आवेदन शुल्क, सामान्य OBC के लिए 500, SC ST के लिए 200 एवं विकलांग के लिए निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर शामिल होंगे। काउंसलिंग में 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं, जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। ये आपको स्टाम्प पे लिखवाना है। तो इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब चयन पक्का नहीं। यहाँ पर ये बात इसलिए कही है क्योंकि जो अंतिम लिस्ट होती है वो चयन समिति जारी करती है। जी हाँ, चयन समिति का जो निर्णय होता है, जो कि हर मंडल वाइज बनी होती है, उनका निर्णय अंतिम होता है। जैसे कि किसी के अभ्यर्थी में कुछ गलती, किसी के में कुछ गलती, किसी ने कोई मार्कशीट लगा रखी, तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद चयन समिति जिसे नियुक्ति देना चाहती है उसे देती है। ये लिस्ट में नाम आने का मतलब इसे आप अंतिम चयन सूची नहीं मान सकते हैं, कि कहने का मतलब ये है। ये जो कल लिस्ट देर में आई, इसका कारण केवल हाई कोर्ट की जो सुनवाई था उसकी जो उसके आदेश के चलते ये मेरिट लिस्ट देर में आई थी। आप यहाँ पर देखेंगे आवेदन में संशोधन को लेकर अनशन भी शुरू कर दिया गया है अभ्यर्थियों के माध्यम से। उसके बाद SSC से बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, SSC की जो स्थगित परीक्षाएं हैं वो अब अगस्त में करवाई जाएंगी, और ये आप यहाँ पर उनका समय सारणी भी देख सकते हैं, इसी समय पर ये परीक्षाएं होने वाली हैं। उसके बाद अंतरिम राहत दी गई है। कल हाई कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई संशोधित उत्तर कुंजी को। अंतरिम राहत पर आदेश कल जारी किया जाएगा 3 जून 2020 को। कल आपको दोपहर के बाद यह आदेश देखने को मिलता है। शिक्षक भर्ती का है, 69,000 पदों पर भर्ती मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चली है कल सुनवाई। 5 घंटे लगभग सुनवाई चली है, जिस पर कोर्ट लास्ट में उसने आदेश रिजर्व किया और 3 जून को जारी करने के लिए कहा। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया प्रकार का स्टे नहीं दिया, केवल अंतरिम राहत के तहत आदेश को रिजर्व किया गया। ऋषभ मिश्रा और अन्य समेत कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने इस पर सुनवाई कल समाप्त कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चयन को बताया गया है कि यहाँ पर अगर 67,867 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो केवल इतने अभ्यर्थी बाहर भी हो गए हैं। 68,754 अभ्यर्थी, 1,46,060 अभ्यर्थियों में इतने अभ्यर्थियों को सूची से बाहर भी किया गया है, साफ तौर बताया गया है यहाँ पर। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी शिक्षक भर्ती से संबंधित, जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।